नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार एक माता ने अपने पुत्र का रक्षा की, वो भी अपने ही पिता से। पिता ने श्राप दिया कि मेरी एक भी किरण यदि पड़ जाएगी मेरे पुत्र पे तो वो भस्म हो जाएगा। पिता ने अपना कर्तव्य का पालन किया और माता अपने कर्तव्य का पालन कर। जब माता को कोई मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने छलांग लगा दी वन की ओर, ये ना जानते हुए कि वहां वन है। एक खाई में लगा दी जहां पे उनको उम्मीद थी कि शायद वहां पे प्रकाश ना पहुंचे या तो स्वयं विधाता उनकी रक्षा करेंगे। तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात हो गई कि जिस सूर्य लोक में सूर्य की किरण हर जगह विद्यमान है, वहीं पर एक ऐसा वन भी था जहां पे सूर्य की किरण नहीं पड़ सकती। सबसे इंपॉर्टेंट सीन तो ये है कि महादेव को ऐसा कौन सा अस्त्र चाहिए। हाँ, वो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बनाने को दे दिया है और भगवान विश्वकर्मा अभी ऑर्डर पेंडिंग लगा रहे हैं इंद्रदेव का। इंद्रदेव का तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 पार्ट 3। और वो महादेव हैं। क्या मुझे महादेव की आज्ञा पालन में उनका आदेश दे रहे हैं इंद्रदेव? महादेव नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अवश्य प्रतीक्षा करूंगा, कोई बात नहीं। परंतु देव विश्वकर्मा, महादेव तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें वाला किसी और शस्त्र की क्या आवश्यकता? आवश्यकता उस नई शक्ति के लिए है जिसे सृष्टि में न्याय का संतुलन स्थापित करना है। क्या क्या अस्त्र बनाया है आपने देव? सुनने से अच्छा होगा कि आप स्वयं देख लें इंद्रदेव। मैं ले आया हूं, बड़ी माँ पीछे खड़ी है। ये भी सही है भाई, इधर उन्होंने जन्म लिया नहीं, उधर उनका वेपन तैयार। वेपन तैयार बताओ महलों में रहने वाली। वो स्वयं ही एक की परछाई है। तो प्रकार तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर जहां सूर्य की किरणें ना पहुंचे। भाग्य की विडंबना देखो, संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य के पुत्र को प्रकाशहीन रहना पड़ता है। जीवन छाया में जीना होगा। अम्मा फिर रोई कौन है इधर, कौन है आसपास? जो निर्माता है ये आंसुओं की कीमत जानते हैं। हाँ, बहुत तगड़ी जानते हैं भाई। अब क्या होने वाला है? अच्छा सा दिखाया भाई। बालपन में याद है, अभी तो बड़े होंगे तो देखने लायक होगा। हाँ,
बिना किसी डायलॉग के पूरा टेंशन ले रखे हैं। मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ पुत्र। जो पुत्र अपनी माता का अपमान और पीड़ा ना सह सके, ऐसे पुत्र को पाकर कौन माता धन्य नहीं होगी। फलदार वृक्ष बनने के लिए बीज को अपनी जड़ों से दूर होना पड़ता है। कदाचित इसीलिए नियति ने तुम्हें तुम्हारे पिता से दूर किया। अवश्य ही तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। अवश्य। किंतु क्या है वो उद्देश्य? भाई यार, फलदाता का दंड है ये देवराज। क्या ही डेमो दिखाया है भाई। ऐसा क्या अद्भुत है इस दंड, बताइए। सारे सीक्रेट्स बता दीजिए हमको। उठेगा ही नहीं। भाई जो अस्त्र जिसके लिए बना है उसके अलावा किसी से उठ नहीं सकता। फिंगरप्रिंट मिसमैच, फिंगरप्रिंट मिसमैच, फिंगरप्रिंट मिसमैच। किसी ने नहीं देखा देवराज, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा। अब इससे अद्भुत और क्या होगा देवराज, इसे केवल इसका वास्तविक अधिकारी ही उठा सकता है। जिसका दंड आपके नियंत्रण में नहीं, वो शक्ति आपके नियंत्रण में नहीं आ सकती। कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। देवराजेंद्र हूं मैं, देवराजेंद्र। मैं उस शक्ति पर अपना नियंत्रण करूंगा। बस एक बार ये ज्ञात हो जाए कि कौन है वो शक्ति, कि वो शक्ति है कौन, नाम क्या है उसका। शास्त्र कहते हैं कि नामकरण करने का अधिकार पिता का होता है, किंतु मैं ये नहीं मानती। जितना अधिकार संतान पर पिता का होता है, उतना ही माता का भी। तुम्हारा नाम पर मैं करूंगी, किंतु क्या होगा तुम्हारा नाम? क्या वो उस उद्देश्य को अर्थ देगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? हे महादेव, ये आप ही का प्रसाद है। इसके नामकरण में अब आप ही मेरी सहायता करें। तो बताइए नारायण, क्या होगा इस शक्ति का नाम? इस शक्ति को कर्म का फल देना है महादेव। कर्म बीज होता है और बीज से फल धीरे धीरे बनता है। न्याय करने में भी समय लगता है, धीरज के साथ, धीरे धीरे धीरे। शनय 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 स्वामी शुरू में नामकरण किया था। शनय 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 शनय
क्या प्रेजेंटेशन है यार, अद्भुत। अखंड याद आ गई भाई। हाँ यार गजब का प्रेजेंटेशन दिया भाई। अखंड में ऐसा ही था, सेम सीन था। ईश्वरों नामकरण किया है उनके मुख से निकली तुम्हारी एक हो गई उसके बाद। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया यार। प्रकृति आपके नाम का स्वागत कर रही है, तो इसका उसका सही अर्थ तो यही है कि नाम उचित और कार्य के साथ से चला भी जाएगा क्या हमने आप दंड में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अर्थात इस दंड का अधिकारी अस्तित्व में आ गया है। शनि शनि क्रमति क्रमति शनै क्रमति सह। जिसकी चाल होगी धीमी तेज होगी मार, जिसकी पदचाप सुनाएगी न्याय ध्वनि कर्म फल दाता। शन शन शनि अद्भुत लग रहा होगा अगर वास्तविकता में ऐसा हुआ है कि कल्पना को जिस प्रकार से किया गया है अद्भुत लग रहा है कि प्रकृति स्वागत कर रहे। शनि शनि हो गया नामकरण। बहुत ही दिव्य था ये नामकरण और दिव्यता के साथ दिखाया भी गया। मतलब जिस प्रकार से ब्रह्म विष्णु महेश इन तीनों लोगों की पुकार ध्वनि से कंठ वायु से निर्मित एक बूंद आकर के मस्तक पे गिरी, मुझे सहसा एक पिक्चर याद आ गई, नाम है उसका अखंडा। देखिएगा जरूर, महादेव के प्रारूप में दिखाया गया है वो पिक्चर, बहुत ही अद्भुत है। बात करेंगे हम फिलहाल इस अद्भुत प्रकरण की। जिस प्रकार से प्रकृति ने स्वागत किया है शनिदेव का कि हर तरफ नए फूल खिल रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, झरने स्वयं पानी देने लगे, मतलब प्रकृति में हर प्रकार से चलायमान स्थित हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड था ये, क्योंकि उधर दंड निर्माण भी हो गया है और दंड का अधिकारी भी आ गया है, जो उठाए नहीं उठ रहा था वो हवा में लेविटेट कर रहा है, तो बहुत ही अद्भुत था ये, मजा आ गया। फिलहाल फिंगरप्रिंट स्कैनिंग नहीं हो पाई इंद्रदेव की दंड पे, उनको पता चल गया कि ये मेरे लिए अनलॉक नहीं होगा, किसी ने नहीं देखा। फिलहाल के लिए ये एपिसोड बहुत अद्भुत था। यदि आपको ये एपिसोड अद्भुत लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, शीघ्र ही मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।